राखी के त्यौहार के दौरान सोलन में किसी भी तरह के खाद्य पदार्थों में मिलावट ना हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग पुख्ता कदम उठाए गए। विभाग द्वारा जिला सोलन में मिठाइयों, दूध, दही, मक्खन और पैकेट फूड के सैंपल लिए गए और उनकी गुणवत्ता को जानने के लिए उन्हें लैब भिजवाया गया, जहां से कुछ सैंपल में मिलावट पाई गई है। अब विभाग दोषी उत्पादकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग के स्वास्थ्य सहायक आयुक्त एलजी ठाकुर ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि मिलावटखोरों पर नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा और उनके उचित कार्यवाही भी की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति मिलावट करने का साहस ना कर पाए। अधिक जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के स्वास्थ्य सहायक आयुक्त एलजी ठाकुर ने बताया कि इस बार राखी का त्यौहार आने से पहले ही विभाग द्वारा जिला में दूध, दही, तेल और बेसन के सैंपल लिए थे, जिसकी कुछ सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें से 3 बेसन के सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें से 2 सैंपल मिसब्रांडेड हैं और 1 सब स्टैंडर्ड पाया गया है। उन्होंने बताया कि बेसन में सूजी और मैदे की मिलावट पाई गई है। इसमें उत्पादकों को नोटिस भेज दिया गया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मिस ब्रांडेड में 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, वहीं सब स्टैंडर्ड उत्पाद पाए जाने पर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी ये कार्यवाही भविष्य में भी जारी रहेगी। पिछले महीने हमने 20 सैंपल भरे थे, जो कि दूध, दही और तेल, बेसन, इस तरह से अलग अलग फूड आर्टिकल्स के सैंपल पूरे डिस्ट्रिक्ट से हमने लिए थे, जिसकी रिपोर्ट अभी आने बाकी है। पर उसमें से बेसन के 3 सैंपल लिए थे, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। तो बेसन में फॉरेन स्टार पाया गया और 2 सैंपल मिस ब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड दोनों आए और 1 सैंपल मिस ब्रांडेड आया हुआ है। तो 3 सैंपल की रिपोर्ट जो आई उसमें फॉरेन स्टार्स, मतलब बेसन में आटा या सूजी कुछ मिलाई हुई थी, तो वो रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और मैन्युफैक्चरर को हमने नोटिस भेज दिया है। जैसे ही नोटिस का जवाब आएगा उसके बाद नेक्स्ट कार्रवाई हम करेंगे। अलग अलग प्रोविज़न है, अगर सब स्टैंडर्ड है तो 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है, सब मिस ब्रांडेड में 3 लाख तक का प्रोविज़न है और अनसेफ में इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन बोथ दोनों का प्रोविज़न है। तो जो भी रिपोर्ट फूड एनालिस्ट से हमको प्राप्त होती है, रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर एक्शन निर्धारित होता है कि आगे क्या एक्शन करना है।